हाय गाइस, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज का मेरा जो वीडियो है वो है हमारे अथर्व से रिलेटेड जो फेवरेट चीज़ें हैं उनके बारे में। मैंने पिछले साल ऐसी एक सीरीज शुरू की थी जहाँ पे मैं मंथली फेवरेट शेयर करने वाली थी। मैंने अक्टूबर में एक वीडियो किया था बट समहाउ उसके बाद मैंने कंटिन्यू नहीं किया, आई डोंट रिमेम्बर वाई। बट मोर और लेस मैं इतने सारे वीडियोज करती रहती हूँ फेवरेट पजल्स, फेवरेट टॉयज, फेवरेट बुक्स के बारे में कि कहीं ना कहीं सारी चीज़ें मैंने दिखाई हुई है। बट वेरी रिसेंटली किसी ने कमेंट किया था मेरे उस पुराने वीडियो पे कि ये सीरीज को मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या रीस्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने सोचा मंथली सीरीज तो पता नहीं, लेकिन एक वीडियो तो बनता है अबाउट आवर करंट फेवरेट्स। अब इसे आप हमारे 2020 यानी कि 2020 के फेवरेट्स कह लो, या अथर्व का बर्थडे अक्टूबर में आने वाला है तो उसका 2 to 3 ईयर्स की एज ग्रुप में जो फेवरेट्स रहे हैं वो कह लो। बट बेसिकली दिस आर द टॉप 10 आइटम्स जो हमारी इन द लास्ट फ्यू मंथ्स फेवरेट्स रही है। जो लोग मुझे बहुत रेगुलरली फॉलो करते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं सारी चीजों को देखा होगा, लेकिन सारे लोग सारे वीडियोस नहीं देखते, तो आई थॉट मैं एक कंपाइलेशन करती हूँ और आप लोगों से शेयर करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहली चीज है ये मैग्नेटिक बोर्ड। ये ऐसी एक मैग्नेटिक पेन के साथ आता है, इस बोर्ड के अंदर बहुत सारे मैग्नेटिक बॉल्स है। इसकी मदद से बच्चे इसके ऊपर अलग अलग पैटर्न्स बना सकते हैं। आप भी बच्चों को नंबर्स, अल्फाबेट, शेप, ये सारी चीजें इसको बना के सिखा सकते हैं। और ये इतना ज्यादा एडिक्टिव और इन्वॉल्विंग टॉय है कि अथर आराम से इसके साथ आधा घंटा चुपचाप बैठे बैठे स्पेंड करता है। कुछ बनाएगा, फिर बॉल्स को अंदर पुश करेगा, फिर कुछ बनाएगा, फिर पुश करेगा। सो दिस हैज बीन आवर फेवरेट। मैंने इसको अपने ट्रैवल फेवरेट्स में भी दिखाया था। ये अथर को उसकी लास्ट बर्थडे पे गिफ्ट पे मिला था और ये पूरा साल उसने इससे बहुत खेला है। ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट अमेजोन से नहीं है, लेकिन ऐसे सिमिलर प्रोडक्ट्स मैंने देखे हैं अमेजोन पे, तो उसमें से मैं कोई एक नीचे लिंक करूंगी। अथर का जो दूसरा फेवरेट है वो है ये पर्टिकुलर पजल। इसका नाम है कलर ट्रैक। ये मैंने अपने पजल्स वाले वीडियो में दिखाया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसमें बेसिकली ऐसी अलग अलग पैटर्न की ट्रांसपेरेंट प्लेट्स दी गई है और फिर एक बुक दी गई है जिसमें अलग अलग पैटर्न्स दिखाई गई है। बच्चों को इन सारी प्लेट्स को यूज करके मिक्स एंड मैच करके वो पर्टिकुलर पैटर्न फॉर्म करना होता है। तो ये बच्चों की ऑब्जर्वेशन स्किल्स के लिए, उनके लॉजिकल रीजनिंग के लिए बहुत ही एक अमेजिंग पजल है। और क्योंकि इसमें इतनी सारी पैटर्न की चैलेंजेस है, ऑलमोस्ट 60 पैटर्न चैलेंजेस है, तो बच्चे इससे बहुत जल्दी बोर भी नहीं होते, उनके लिए हर बार कुछ नया करने को होता है। ये अगर आप पजल देखोगे तो दिस इज फॉर द एज ग्रुप 3 to 5 ईयर्स। अथर्व अभी 3 साल का नहीं है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब भी आप कोई टॉय खरीद रहे बच्चों के लिए, स्पेशली बुक्स हो गए, पजल्स हो गए, तो आई डोंट थिंक आपको लेबल पे जो एज लिखी हुई है उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। डोंट अंडर एस्टिमेट योर किड। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू नो बच्चे देख देख के सीख लेते हैं, और अगर नहीं सीख पाते तो यू कैन ऑलवेज यूज देम एट अ लेटर स्टेज। इसका एक और एडवांस्ड वर्जन भी आता है, आई थिंक 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए समथिंग, जिसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स होती है। तो अगर आपके बच्चे और बड़े हैं तो आप वो भी खरीद सकते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो है ये ट्रायंगुलर क्रेयॉन्स। अब इस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं वो स्क्रिबलिंग से धीरे धीरे कलरिंग, ट्रेसिंग, इन सारी एक्टिविटीज़ पे शिफ्ट कर रहे होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अभी भी वो लोग पेन या स्केच पेन के लिए रेडी नहीं होते। क्रेयॉन्स आर द बेस्ट थिंग टू गिव देम, और उसमें भी इस पर्टिकुलर शेप के जो क्रेयॉन्स आते हैं, ट्रायंगुलर क्रेयॉन्स, वो उनकी ग्रिप के लिए सबसे बेस्ट होते हैं क्योंकि इनको पकड़ना बहुत आसान होता है, वो उसी पर्सपेक्टिव से बनाए गए होते हैं। प्लस अगर आप देखोगे तो ये काफी लंबे हैं कंपेयर टू द नॉर्मल क्रेयॉन्स, तो अगेन बच्चों के लिए पकड़ना आसान हो जाता है। अनदर गुड पार्ट अबाउट दिस इज कि ये शार्पन हो सकते हैं, तो बेसिकली आप इसकी शार्प एजेस हमेशा बना के रख सकते हो, तो अगेन ट्रेसिंग के लिए भी बच्चे बहुत आसानी से इसको यूज कर सकते हैं पेंसिल की जगह। एंड दिस आर ऑल्सो इरेजेबल, तो शार्पनर और इरेजर भी इसी पैक में आया था साथ में। मैं इसको भी नीचे लिंक करूंगी। उसके बाद की नेक्स्ट आइटम जो अथर्व की फेवरेट रही है वो है ये वाटर वाओ पैड। और ये सारे बच्चे, यानी हमने इतने लोगों को ये गिफ्ट किया और सबका ही फेवरेट रहा है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि इसमें बच्चे कलर कर सकते हैं विदाउट यूजिंग कलर्स, यानी एकदम ही मैस फ्री होता है। इसके साथ एक ब्रश आता है जो मुझे अभी मिल नहीं रहा है, बट उस ब्रश के अंदर एक कंपार्टमेंट होता है जिसमें आप पानी भर सकते हो, और फिर बच्चे इसके ऊपर जब वो ब्रश घुमाएंगे तो इसमें जो ओरिजिनल कलर होंगे इस पर्टिकुलर पेंटिंग के वो निकल के बाहर आएंगे। तो बच्चों के लिए बहुत ही एंगेजिंग एक्टिविटी, स्पेशली ट्रैवल या आप कहीं बाहर गए हुए जहां आपको कोई मैस नहीं चाहिए फिर भी आपको बच्चों को इन्वॉल्व रखना है, तो दिस इज एन अमेजिंग पैड टू हैव। इसके अंदर ऐसे 4 या 5 अलग अलग पिक्चर्स होते हैं। अभी आपको सिर्फ आउटलाइन दिख रही है, लेकिन मैं यहाँ एक क्लिप लगाऊंगी ताकि आप समझ पाओ कि इसको कलर करने के बाद ये कैसा दिखता है।
अगेन इसके अंदर अलग अलग थीम्स आती है, आई थिंक ये जंगल थीम है, बट इसमें अल्फाबेट्स, नंबर्स और उसके अलावा भी ट्रांसपोर्ट, बहुत सारी अलग अलग थीम्स आती है। अगेन मैं इसको नीचे लिंक करूंगी। इसके बाद नेक्स्ट फेवरेट आइटम हमारी रही है ये प्रोजेक्टर लैम्प। इसको जब आप एक अंधेरे वाले रूम में चालू करते हो तो ये ऊपर सीलिंग पे या वॉल के ऊपर एक प्रॉपर यू नो नाइट स्काई वाला लुक क्रिएट करता है। साथ में ये रोटेटिंग है तो वो सारे स्टार्स और मून और सब कुछ भी रोटेट करता है। इसके अंदर अलग अलग मोड्स है तो स्टार्स के कलर भी चेंज कर सकते हो, मल्टी कलर कर सकते हो, एक पर्टिकुलर कलर कर सकते हो। आई थिंक देर आर 9 or 10 डिफरेंट मोड्स जो आप इसमें यूज कर सकते हो। अगेन ये अथक की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट आइटम्स रही है। ये आराम से आधा पौना घंटा, एक घंटा तक यू नो सीलिंग पे स्टार्स देखता रहता है, इसमें मोड चेंज करता रहता है, कलर्स चेंज करता रहता है, उसको बहुत मजा आता है। द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज कि मोस्ट ऑफ ये आइटम्स होती है ये बैटरी से ऑपरेट होती है। ये बैटरी से तो ऑपरेट होती ही है, बट एट द सेम टाइम इसमें एक यूएसबी वाला मोड भी है, यानी आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके भी इसको चला सकते हो। क्योंकि बहुत बार बैटरी ऑपरेटेड टॉयज में ये होता है कि एक बार बैटरी खत्म हो गई फिर जब तक नई नहीं आती तब तक वो पड़ा ही रहता है। सो आई लाइक दैट द मोस्ट। और इसमें ऐसा एक कवर भी आता है, तो अगर आप ये कवर लगा दोगे तो एक नॉर्मल लैम्प बन जाएगा, प्रोजेक्शन नहीं देगा, और अगर आप ये हटा देते हो तो वो ऊपर प्रोजेक्टर की तरह काम करेगा। अब जो नेक्स्ट फेवरेट आइटम रही है अथर की वो है ये स्टिकर बुक्स। इनफैक्ट हम मुझे भी ये बहुत अच्छी लगती है क्योंकि अथर को खाना खिलाना बहुत आसान हो जाता है इनके साथ। ये अलग अलग थीम्स में आती है। इस बुक के अंदर ऐसे कुछ स्टिकर वाले पेजेस होते हैं, यहाँ बेसिकली स्टिकर्स होते हैं, अभी हमने मोस्टली यूज कर लिए सारी बुक्स। और फिर हर पेज पे एक अलग अलग थीम बनी होती है जिसमें बच्चों को स्टिकर्स लगाने हैं। फॉर एग्जांपल ये कार्निवल की थीम है तो आप देखोगे कि ये सारे स्टिकर्स है अथर ने अलग अलग जगह से निकाल के यहाँ पे स्टिक किए हुए हैं। तो बच्चों के लिए बहुत ही फन एक्टिविटी हो जाती है, एकदम कलरफुल सा पेज, एक पर्टिकुलर थीम समझ रहे कि कार्निवल में क्या क्या होता है। सिमिलरली यू नो जैसे एयरपोर्ट पे क्या क्या होता है, मेट्रो स्टेशन पे क्या क्या होता है, अलग अलग चीजें। ऐसी ही सिमिलर नंबर्स वाली बुक है जिसके अंदर हर पेज पे अलग अलग काउंट के ऑब्जेक्ट्स आपको स्टिक करने हैं, जैसे 9 है तो 9 प्लैनेट्स एंड थिंग्स लाइक दैट। अगेन आप अगर मुझे बहुत टाइम से फॉलो करते हो तो आपने काफी वीडियोज में अथर को ये यूज करते हुए देखा होगा। अब बुक्स की बात करें तो मैं स्टोरी बुक्स को कैसे भूल सकती हूँ। हालांकि मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो किया है वेरी रिसेंटली अथर की सारी बुक्स शेयर करते हुए, जिनको मैं यहाँ लिंक करूंगी। बट अगर मुझे एक फेवरेट बुक बतानी है तो द मंकी पजल ये अथर्व की करंट फेवरेट बुक है। दिस इज बाय एन ऑथर कॉल्ड जूलिया डोनाल्डसन, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एक बहुत फेमस बच्चों की बुक राइटर है। हमारे पास इसका पूरा सेट है लेकिन उसमें से ये पर्टिकुलर बुक बहुत ही अथर को अच्छी लगती है। इनफैक्ट ये पूरी स्टोरी वो खुद भी हमको सुना देता है देख देख के, ऑलमोस्ट उसको पूरी मेमोराइज हो चुकी है। और अगर कोई बिगिनर लेवल रीडर्स है तो उनके लिए भी मैं ये बुक बहुत रेकमेंड करूंगी, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही सिंपल स्टोरी है, एक मंकी जो अपनी मम्मा से खो गया है उसके बारे में, और फिर कैसे एक बटरफ्लाई उसकी हेल्प करता है और अलग अलग एनिमल्स के पास ले जाता है कि ये तुम्हारी मम्मा है, ये तुम्हारी मम्मा है, एंड इन दैट प्रोसेस वो उस एनिमल को पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं उसका कि नहीं नहीं ये तो एलिफेंट है, मेरी मम्मा के पास ट्रंक नहीं है, मेरी मम्मा के पास टस्क नहीं है। सो बेसिकली बच्चों को एनिमल के सारे फीचर्स बहुत ही फन तरीके से याद रह जाते हैं, एंड इट्स अ स्टोरी जो बहुत ही एंगेजिंग है। अब अथर का जो नेक्स्ट फेवरेट रहा है वो है ये सेट ऑफ डोमिनो ब्लॉक्स। डोमिनो ब्लॉक्स बेसिकली ऐसे वुडन ब्लॉक्स होते हैं, छोटे छोटे अलग अलग कलर के आते हैं, इससे बच्चे अलग अलग पैटर्न, अलग अलग चीजें बना सकते हैं, छोटी सी चेयर बना ली, या उनको बस एक पैटर्न में खड़ा करके बस उनको गिरा सकते हैं और पूरा वो रिपल इफेक्ट देख सकते हैं। इसको आप एक ओपन एंडेड टॉय कह सकते हो क्योंकि इसको खेलने का कोई एक सेट तरीका नहीं है, बच्चे जैसे चाहे उसको खेल सकते हैं, अपनी इमेजिनेशन यूज करके अपनी क्रिएटिविटी से अलग अलग चीजें बना सकते हैं, और ये बहुत लंबे टाइम तक बच्चों को एंगेज रखता है, इनफैक्ट बड़ों को भी एंगेज रखता है। आई ऑल्सो लव मेकिंग पैटर्न्स विद दिस। एंड जैसे ही बच्चे 2.5 साल के आजू बाजू के होते हैं, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चों के लिए ज्यादा ओपन एंडेड टॉयज लो ताकि बच्चे अपने हिसाब से एक्सप्लोर करके उसे अलग अलग चीजें करें और उनका इमेजिनेशन भी डेवलप हो। मेरा बहुत टाइम से मन है पूरा प्रॉपर वीडियो करने का ओपन एंडेड टॉयज पे, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट फेवरेट आइटम है वो है जो पीछे हमारा व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है वो। ऐसा हमारे पास एक छोटी साइज का भी है, मैग्नेटिक है वो, बट बेसिकली इस एज के बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है ऐसा वाइप एंड क्लीन वाला कोई बोर्ड होना, चाहे वो स्लेट भी क्यों ना हो, क्योंकि बच्चे वो देख देख के उस पर कुछ बना बना के बहुत सारी चीजें सीखते हैं और उससे उनके दिमाग में वो रजिस्टर भी बहुत अच्छे से होती है। प्लस जो टीचर वाला प्रिटेंड प्ले होता है वो भी बच्चों को इस एज पे करना बहुत अच्छा लगता है। तो यू नो विद टूल्स लाइक दिस इट बिकम्स वेरी इजी के वो लोग वो चीजें करें और साथ साथ में कुछ सीखे भी। और अब आते हैं आखिरी यानी कि 10th फेवरेट आइटम पे, जो कि काफी रिसेंट है लेकिन अथर की एब्सोल्यूट फेवरेट है। ये है ये मैकेनिक्स वाला टॉय। ये बेसिकली ऐसा एक सेट होता है जिसके अंदर सारी चीजें अलग अलग दी गई
होती है और फिर टूल्स भी दिए होते हैं साथ में, जिससे बच्चे उसको ज्वाइन करके एक पर्टिकुलर चीज बना सकते हैं। जैसे ये कार वाला है तो दे कैन मेक दिस कार, इसके अंदर दो या तीन अलग अलग डिजाइंस बन सकती है जो साथ में आता है लीफलेट, तो इसको देख के बच्चे बना सकते। अब इस साल के जो बच्चे होते हैं उनको इन सारी चीजों में बहुत इंटरेस्ट होता है, किसी चीज को फिक्स करना, कुछ बिल्ड करना या डिसमेंटल करना, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉय है, स्पेशली बिकॉज बहुत ही सेफ आइटम्स है, काफी बड़ी साइज की है, चोकिंग हैजर्ड भी नहीं है। सो दिस इज समथिंग जो अथर्व को बहुत अच्छा लग रहा है आजकल। ऑब्वियसली वो खुद नहीं बना पाता पूरा, हम लोग उसकी हेल्प करते हैं, बट इट्स अ फन फैमिली एक्टिविटी। हम उसको अच्छे से जोड़ के दे देते हैं, वो बैठ के स्क्रू टाइट करता है, फिर एंड में जब रेडी हो जाता है तो ही बिकम्स वेरी वेरी हैप्पी। सो दिस हैज बीन हिज करंट एंड द लेटेस्ट फेवरेट। तो ये थी सारी वो चीजें जो हमारी फेवरेट्स है। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है, सारी चीजों के लिंक्स होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जस्ट इन केस अगर आपको चेक करना है तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कुछ जो इंडिपेंडेंट वीडियोस किए हैं मैंने, जैसे कि अथर्व के फेवरेट पजल्स का कलेक्शन हो गया, बुक्स का कलेक्शन हो गया, टॉयज का कलेक्शन हो गया, वो भी मैं कोशिश करूंगी कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो वीडियो में कहीं ना कहीं लिंक करूं, तो इफ यू वॉन्ट यू कैन चेक दैट आउट टू। आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक इट, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय बाय।